दोपहर धूप लू तपिश गर्मी किस दौर में वक्त ले आया, दिल की ठंडक है इस दौर में एक तेरे ख्याल का साया। यहां साहब गर्म तपती दोपहर गुजरी, आंगन में नर्म शाम उतरी, आसमां पर परवास करती पतंगे उतरी, परिंदे पहुंचे अपने आशियाने, रात आई सुकून लाई, गर्मी से थोड़ी सी राहत लाई और अपने आपके अथर ने इस रात के समंदर में रंग महफिल की नाव चलाई और उम्मीद की कि मिलेगा थोड़ा सा सुकून जरा सा आराम जब आकाशवाणी रेनबो की लहरों पर चलेगी रंग महफिल की कश्ती। आधा वर्ष है का जो भी पहर गुजरता है,
कोई एहसान सा उतरता है। दिन का जो भी पहर गुजरता है कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पांव देखता रोज ये छांव देखता हूँ मैं। आए जैसे कोई ख्याल आए, आए जैसे कोई ख्याल आए। सांस लेते हैं जिस तरह सुरमई शान इस तरह आए। सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शान। सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। यकीनन दोस्तों, गर्म तपती दोपहर के बाद जब शाम आती है तो यकीनन एक राहत सी जिस्म जा में फैल जाती है। साथ देने से हुए जाते हैं अल्फाज कासिर, जाने क्या क्या मैं तेरी शान में कहना चाहूं। वाकई दोस्तों, गज़ल उर्दू शायरी की एक ऐसी लाजवाब लाजवाल और मुस्तकिल सिन्फ सुखन है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से वो कम होगी। आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की देन है, बल्कि दोस्तों हकीकत यह है कि गज़ल फ़ारसी शायरी के ज़ेरे असर उर्दू शायरी में दाखिल हुई। लेकिन उर्दू शायरी में गज़ल को वो मकाम अता हुआ जिसने तमाम दूसरी असनाफ़ सुखन को पीछे छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, गज़ल को यूं ही नहीं सराहा जाता, बल्कि इसमें ऐसी खासियत और इनफरादियत है जिसकी बदौलत इसकी मकबूलियत और मारूफियत में चार चांद लग गए। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी रेनबो पर अपने अथर के साथ। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां, तेरे गम में तुझको बहलाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां, तेरी आंख के आंसू जो मिल कर रोते कुछ दर्द तो हल्के होते, बेकार न जाते आंसू कुछ दाग जिगर के धोते, फिर रंज न होता इतना है तन्हाई अब जान ये रास्ता गम का है और भी लंबा कितना, हालात की उलझन सुलझाओ हालात की उलझन सुलझाओ, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ तेरी आँख के आँसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती हैं हवाएं पहले
लेकिन है ये ख्वाब ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवारी, मोहताज है एक कली की, एक रोज थी फूलों वाली, वो जुल्फ परेशान महका, वो जुल्फ परेशान महका, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। शबलू की काय लालन की जात चमशारे, वो सो वेलकम टू द फोक म्यूजिक स्पेशल। देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल। कोई अल्लाह।
सबसे जरूरी काम वोट डालना कूल है ब्रो। पांच सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम, 5 सालों में 5 मिनट करने हैं देश के नाम। तो आओ हम गर्व से वोट दें। माय वोट माय वोट माय वोट माय वोट माय वोट माय वोट माय वोट। 5 साल में 5 मिनट तो हम अपने देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट दे। मेरा वोट मेरी वॉइस। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। आपका इस्तकबाल एक मरतबा फिर। दोस्तों आप सुन रहे हैं सिलसिलेवार प्रोग्राम रंग महफिल, और रंग महफिल में आपके साथ हूं मैं, आपका मेज़बान, आपका आदर हमेशा की तरह आकाशवाणी रेनबो पर। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि आदरणीय अथर जी सादर प्रणाम। प्रणाम आपको, कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रस्तुति अच्छी है, सुरेश वाडेकर की आवाज़ में गज़ल बहुत ही अच्छी लग रही है। हार्दिक बधाई, शुभ बधाइयाँ, शुभ संध्या और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, अनीता जी और सिमरन जी। और एक मैसेज और मेरे पास है, वरिष्ठ आरजे अथर जी नमस्ते। नमस्ते आपको भी, 11 बजे तक हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। मैं तो हमेशा आपके साथ हूं राजेश भल्ला जी, आपने कंकड़खेड़ा मेरठ से मुझे संदेश भेजा है, बहुत धन्यवाद अदा करता हूं आपका। एक और मैसेज है, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग हैं, कोई बिखर कर मुस्कुराया तो कोई मुस्कुरा के बिखर गया, और आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, अब हिम्मत ही नहीं होती अपना दर्द बांटने की, उसको दूरियां पसंद आने लगी थी, फिर मैंने भी वक्त मांगना ही छोड़ दिया। आई एम अंशी शर्मा, हस्तिनापुर मेरठ से। अंशी, अगर आपने लिखा है तो बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छा अंदाज है आपके लिखने का। आगे लिखती हैं कि अथर सर, क्या आप हमारे मैसेजेस नहीं लेंगे? देखिए अंशी, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है और मेरे ज़िंदगी का उसूल भी है कि धैर्य और संयम हमारे बहुत बड़े हमारे साथी होते हैं, तो धैर्य और संयम रखें तो सारे काम आसान हो जाते हैं। एक और मैसेज है, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो रंग महफिल। कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कन, धड़कने मेरा नहीं तो अपने दिल का कहा मान लीजिए। लवली सॉन्ग एंड नाइस प्रेजेंटेशन। किशन वंजानी जी, नीलम, स्वाति और किशु जी लिखते हैं आनंद विहार से, बहुत धन्यवाद आपका। और आपने एक गज़ल के मिसरे को भी आपने हम तक रवाना किया, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग अथर सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, शो अच्छा लग रहा है। सुधांजलि का ये मैसेज है यूपी से। सुधांजलि, यूपी से कहाँ, किस शहर से या किस गांव से या किस मोहल्ले से आप हमें लिख रही हैं, ये भी ज़रूर लिखिएगा। एक और मैसेज है, खामोशियाँ बेशुमार हैं, किस्से बताए नहीं जाते, दर्द बेशकीमती हैं, लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते, और ज़िंदगी के साथ जंग लड़ी है, कतरा कतरा, जाने अनजाने किसी को भी बताए नहीं जाते।
और मत उकेरो अल्फाज में मुझ में शायरी नहीं, दर्द दिल के लफ्जों पर सजाए नहीं जाते, और वीरान रातों में तन्हा सांसों की सरगोशियों से अंदाज़े बयां में गीत मिलन के गाए नहीं जाते। बहुत खूब अमित चौहान साहब, सोहा सहरसा बिहार से आपने ये मिसरे भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद चंद पैगाम और हैं, उन तक पहुँचूँगा एक बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश के बाद, और इस उम्मीद के साथ कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे आकाशवाणी रेनबो पर। कार्यक्रम है रंगे महफिल। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। और दोस्तों, रात लगातार अपना सफ़र तय कर रही है और रंग महफिल भी अपने सफ़र पर लगातार गामजन है। यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए इस बेहद खूबसूरत और मीठे सफ़र पर। देख लो ख्वाब मगर ख्वाब का चर्चा ना करो, लोग जल जाएंगे सूरज की तमन्ना ना करो, और किर्चियां टूटे हुए अक्स की चुभ जाएंगी, और कुछ रोज अभी आई ना देखा ना करो। बेख्याली में कभी उंगलियां जल जाएंगी, राख गुजरे हुए लम्हों की कुरेदा ना करो। लेकिन साहब, इंसान ख्वाबों की फसल हमेशा आबाद रखता है, ख्वाब माजी के।
ख्वाब मुस्तकबिल के, ख्वाब गुजरी शाम के, ख्वाब सुनहरी सुबह के। वाकई देखा जाए तो जनाब ख्वाब आईना है हमारे माजी का, और हम इस आईने में अपना अक्स तलाश किया करते हैं। भले ही उसमें हमारा अक्स धुंधला नजर आए या फिर आईने में ही बाल आ जाए, फिर भी न जाने क्यों बीते दिनों की राख को कुरीदा करते हैं हम, जबकि मालूम है कि उंगलियां जल जाएंगी हमारी। चांद को टूटा हुआ तारा
लगता है। मेरे मालिक मेरा दिल क्यों तड़पता है, सुलगता है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पे किसका जोर चलता है। किसी को फूल किसी को तूने अंगारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। तकदीर का मारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। सामिन, इस वक्त आप हैं सफर पर गजलों की और बेहतरीन गजलों के कारवां में। आपका अथर है आपका हम सफर और गजलों के सुरीले सफर का नाम आप जानते हैं रंग महफिल है, जो कि हम लाते हैं आपके लिए आकाशवाणी रेनबो पर। तो रहिएगा मोहब्बतों के इस बेहद बेहद सुरीले और मीठे सफर पर हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो के साथ। अनूप कौर गुड़गांव से लिखती हैं, सत श्री अकाल अथर जी, सत श्री अकाल आपको भी। कहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन रंग महफिल प्रोग्राम, नाइस प्रेजेंटेशन, सुपर सुपर प्रोग्राम, थैंक्स फॉर द सॉन्ग तेरी आंख के आंसू भी जाऊं। आप बहुत शुक्रिया आपका भी अनूप कौर जी। ये जो पेशकश थी ये बहुत खूबसूरत पेशकश है तलत महमूद साहब की आवाज़ में फिल्म जहां आरा से, और यकीनन बहुत गहराई है, मखमली आवाज़ के मालिक थे तलत महमूद साहब। अगला मैसेज मेरे पास है, मुफलिसी और लाचारी चेहरे से झलक जाती है, कितना ही छुपाओ इसको यारो ये छुप नहीं पाती है, और आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, कहाँ से लाऊंगा जो अब आईना मांगे। उफ ये गर्मी उस पर तेरा सितम जाना,
यही सोच सोच कर मरा जा रहा हूँ मैं। ये तीन मुख्तलिफ अशार हमें भेजे हैं, किसने भेजे हैं, गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली साहब और तुलसी मिस्किन साहब ने मुश्तरका तौर पर। कहते हैं कि रंग महफिल में जनाब मोहतरम अथर सईद साहब को प्यार भरा आदाब अर्ज़ो, आदाब आप तक भी हमारा पहुँचे, तमाम दोस्तों तक जो कि हमें इतनी लगन के साथ सुन रहे हैं। एक और मैसेज मेरे पास है देव का, कहते हैं हाय अथर जी, देव फ्रॉम दिल्ली, बहुत शुक्रिया देव जी, आप थोड़ा सा देर से जुड़ते हैं हमारे साथ लेकिन जुड़ जाते हैं। कहते हैं कि मैंने एक, उन्होंने शीर्षक दिया है और कहते हैं कि मैंने एक घनी छांव वाले बरगद को देखा। मैंने बरगद को गर्मी में काम करते कुछ मजदूरों का पता दिया, बरगद वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने मजदूरों को बरगद का पता दे दिया, मजदूर अब बरगद के नीचे सुस्ताने लगे हैं। बहुत अच्छी ये क्षणिका कहें हम या फिर आज़ाद नज़्म कहें, बहुत अच्छा लिखा है। अगला जो इन्होंने लिखा है, अब मुझे ये टाइटल है, कहते हैं कि एक मीठे पानी की नदी का पता मिला। मैंने नदी को प्यासे थके मुसाफिरों का पता दिया, नदी वहीं बहती रही, अब मैंने मुसाफिरों को नदी का पता दे दिया, आज सभी नदी का ठंडा पानी पी रहे थे। बहुत खूब। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की जो कोशिशें हैं, आपने भले ही अशार की शक्ल में या फिर आज़ाद नज़्म की शक्ल में ये बातें कही हैं, लेकिन इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो माहौल है, अपना जो पर्यावरण है उसको बेहतर बना सके, उसको ये जो शदीद गर्मी का माहौल है या फिर शदीद बरसात का माहौल होता है या फिर शदीद सर्दी का माहौल होता है उससे हम महफूज कर सकते हैं और इस धरती को रहने लायक बना सकने में अपना तआवुन दे सकते हैं। अगला मैसेज एक और है, शुक्रिया का मैसेज है, थैंक्स अलॉट सर, आई एम अंशी। अंशी बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं, इसी तरह से लिखते रहिए और हम तक रवाना करते रहिए। और एक और मैसेज मेरे पास है कि बदनाम तो बहुत हैं हम ज़माने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। लिखा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल डिक्रेस्टो और विलिस डिक्रेस्टो ने। और एक और मैसेज मेरे पास है कुसुम जी का मेरठ यूपी से, कहते हैं कि आ सूरज तू तो नाराज है, इस धरती को गर्म कर रहा है, अरे चांद अब तू ही थोड़ी शीतलता दे दे। बहुत अच्छी बात है, आपके जो ख्यालात हैं बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले अर्ज़ किया कि हमें भी कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी इस धरती को बचाने की, और धरती को बचाने का एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनसे हम बचाव करें, मिसलन अपनी गाड़ी से ना जा करके हम सार्वजनिक वाहन से जाएं, और वृक्ष बहुत सारे लगा सकते हैं हम, एसी का कम से कम इस्तेमाल हम करें तो ये हमारी धरती बेहतर हो सकती है। फ़िलहाल रंग महफिल के सफ़र पर हम चलेंगे आगे भूपिंदर जी और मिताली की आवाज़ के साथ, जिसमें मोहब्बत की बात नहायत ही मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। आइए मुलाहिजा करते हैं।
क्या बात है, मोहब्बत के बारे में कितने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और कितने खूबसूरत अंदाज का इस्तेमाल किया मिताली ने और साथ में भूपिंदर जी ने। दोस्तों, ये शायरी है और शायरी के साथ गुलुकारी का रिश्ता जो है बड़ा गहरा हुआ करता है। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो अपनी कंपोजिशंस और अपनी गुलुकारी से मुतासर करने वाले चंद अंदाज का नाम अब मौसीकी की दुनिया में बुलंदियों पर पहुँचा हुआ है। ये नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दोस्तों, चंदनदास की गुलुकारी की खास बात यह है कि वो पूरे वक्त अपने सामईन को, अपने शायकीन को, अपने नाजरीन को बांधे रखते हैं अपने फ़न के जादू से। मौसीकार की शक्ल में नई नई बंदिशें बनाने का सामईन दोस्तों बिल्कुल अलग ही मज़ा है। और सच पूछिए तो इसके ज़रिए फ़नकार को कभी कुछ काफ़ी कुछ क्रिएट करने का मौका मिलता है और साहब ये काम भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं चंदनदास साहब पूरी ईमानदारी से। एक बहुत अच्छी गज़ल मैंने निकाली है जो कि चंदनदास साहब की आवाज़ से सजी है और इसमें जो अल्फाज हैं निदा फाजली साहब के हैं, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। मुलाहिजा फरमाएं, यकीनन ये गज़ल और चंदनदास साहब का अंदाज जो है आपके दिल के बेहद करीब से गुजरेगा। मुलाहिजा फरमाएं रंगे महफिल की अगली पेशकश। आ, 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 आ,
अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में। और कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए, और कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। दोस्तों वक्त लगातार रागी की तरफ गामजन है। 10:56 और 7 सेकंड हो चुके हैं। आपके ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास हैं, उनको तफसील से तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ज़रूर होगा कि मैं आपके नाम आप तक पहुंचा दूं। एक मैसेज जो मेरे पास पहुंचा है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, किसका है? सुधांजलि जी का, यूपी से है। उसके बाद एक और मैसेज है मेरे पास मुंबई से उमैर साहब का, और एक और बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ बहुत सारी चीज़ें भेजी थी प्रेमचंद प्रेमी जी ने जैतरा धामपुर से। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ समय के अभाव की वजह से। एक मैसेज बहुत खूबसूरत लिखा था फारूक अली खान साहब, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने,
और इसके अलावा एक और मैसेज मेरे पास आनंद विहार से पहुंचा था, किशन बंजानी जी का, नीलम, स्वाति और किशु जी का, आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक मैसेज केपी तोमर साहब का, कर्नल केपी तोमर साहब का मेरे पास पहुँचा है, और वो फरमाते हैं कि जनाब अथर साहब, आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, पसंद अपनी अपनी। कहते हैं कि सच मानिए, मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ आपका प्रोग्राम करेंगे। लू का चलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत किस्म के वायरस और अन्य कीटाणुओं को मार देती है जो कि इंसान के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा आपने, और तफसीली बातें तो फिर अगली मरतबा होंगी। और चूँकि वक्त का इशारा है कि अब मैं रुख्सत लूँ आपसे, लेकिन चंद बातें और आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ी बुनियादी सी बात है कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने के लिए ज़रूरी है कि हम खुश रहें, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम खुश रहने के मौके तलाश करें, बहाने तलाश करें। वैसे खुशियाँ दोस्तों हमारे आसपास ही हुआ करती हैं हमेशा, ज़रूरत है तो उन खुशियों को पहचानने की। मेरे ख़्याल से किसी की मदद करना या किसी बेसहारा को सहारा देना या फिर होठों पे खिली मुस्कुराहट से माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमें याद करते रहिए। अगली मुलाकात तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शब खैर। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, उन गली पूछों का रास्ता तो दिखा दो यारो, उन गली रास्ता तो दिखा दो यार।